श्री राम दशरथ राजा के पहले पुत्र थे। उनकी माता का नाम कौशल्या था। पहले पुत्र होने के नाते वही राजगद्दी के हकदार थे। कुछ सालों पहले कैकेयी ने एक युद्ध में दशरथ राजा के प्राण बचाए थे। खुश होकर राजा ने उन्हें एक वचन दिया था कि समय आने पर वो उनकी कोई भी दो शर्तें बिना प्रश्न किए मान्य करेंगे, और इन्हीं दो शर्तों का उपयोग उन्होंने श्री राम के राजा होने के दिन इस्तेमाल किया। उन्होंने राजा से कहा कि श्री राम 14 साल तक वनवास में जाएंगे और उनका पुत्र भरत राजा बनेगा। श्री राम ने अपनी माता की आज्ञा मान्य की और वो अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले गए। कैकेयी के पुत्र भरत ने राजा होने से इनकार कर दिया और वो अपने भाई के आने तक का इंतजार करने लगे।